आता है, बट क्योंकि ये साल क्वेश्चन रिड्यूस हो गया फ्रॉम 30 चैप्टर मैट्रिसेस, बोर्ड्स में इसका वेटेज है 6 मार्क का, ठीक है। अब हम लोग को सबसे पहले ना ये जानना है कि ये चैप्टर को हम लोगों ने कहीं ना कहीं 11th में अच्छे से पढ़ा हुआ है। 11th में आपको दोनों टॉपिक था, मैट्रिसेस भी था और डिटरमिनेंट भी था। मैट्रिसेस टॉपिक में आपने बहुत सारे डेफिनेशंस पढ़े होंगे, राइट, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या क्या थे, जो आपने 11th में कवर किया होगा। तो अगले लेक्चर के लिए आपको कहीं ना कहीं 11th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से रीड करके आना है, ठीक है। आज के लेक्चर में चलो ठीक है हम लोग मैनेज कर लेंगे, बट नेक्स्ट लेक्चर से आप लोग को 11th का सब कुछ कॉन्सेप्ट फिर से रिकॉल करना होगा, जिससे कि हम लोग आगे चैप्टर में प्रोसीड कर सके। Now, सबसे पहले मैं आपको छोटा सा डेफिनेशन बता दूं कि हम लोग ने अगर 11th स्टैंडर्ड में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा है, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस स्टार्ट किससे होता है, रो मैट्रिक्स से। Now, आप सबको पता है कि रो मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होगा, अ मैट्रिक्स कंटेनिंग ओनली वन रो। सो अगर मैं शॉर्टकट में आपको बता दूं, थोड़ा सा रिकॉल करूं 11th स्टैंडर्ड डेफिनेशन इस लेक्चर में। सो रो मैट्रिक्स, सबसे पहला डेफिनेशन था अपना क्या होता है रो मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो आता है, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, ये हो जाएगा रो मैट्रिक्स। मैं बहुत शॉर्टकट में पढ़ाऊंगा क्योंकि ये आपने 11th में पढ़ा हुआ है। सो रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स कंटेनिंग ओनली वन रो, इसका जो ऑर्डर रहेगा हमेशा क्या रहेगा, 1 x n। नाउ 1 x n एक्चुअली में ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स से निकालते हैं हम लोग, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स निकालते हैं m क्रॉस n से, जहां पे m जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग नंबर ऑफ रोज, m होता है नंबर ऑफ रोज और n होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। m होता है नंबर ऑफ रोज और n होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। सो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हमेशा कैसे निकलता है, m क्रॉस n से। m क्रॉस n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। नाउ रो मैट्रिक्स में क्योंकि एक ही रो है तो m के जगह पे 1 आ जाएगा, तो 1 क्रॉस n हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस n। सेम अगर मैं बात करूं सेकंड मैट्रिक्स, और सेकंड मैट्रिक्स का होगा मेरा कॉलम मैट्रिक्स। सो कॉलम मैट्रिक्स से समझ जाओ क्या होगा, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम आता हो, फॉर एग्जांपल 1 2 3, एक ही कॉलम आएगा सिर्फ, और कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कौन होंगे। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स कंटेनिंग ओनली वन कॉलम, 1 2 3, इट्स ऑर्डर इज ऑलवेज m क्रॉस n। m कैन बी फ्लक्चुएटिंग, चेंज होता रह सकता है, बट जो आपका नंबर ऑफ कॉलम्स है वो फिक्स रहेगा 1। ये हो गया रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। देन हम लोग ने पढ़ा था जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सब एलिमेंट जीरो होते हैं, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। तो जीरो मैट्रिक्स को कैसे रीड करेंगे हम लोग, अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इज नोन एज जीरो मैट्रिक्स। फिर जीरो मैट्रिक्स के बाद हम लोग फोर्थ पे आते हैं, दैट इज अवर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है गाइस, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ना नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं होते, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम नहीं होते। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ पे 3 2 1 है, देख सकते हो आप यहाँ पे कितने रोज हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को रोज बोलते हैं, ये हो गया रो 1, ये हो गया आपका रो 2, और वर्टिकल लाइन को हम लोग कॉलम बोलते हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, राइट। सो अगर इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का मैं ऑर्डर पूछूं आपसे, जो आपने 11 में पढ़ा हुआ है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 2 x 3। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होने के बाद वी विल मूव टू स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे, राइट। हमारे पास इस चैप्टर में दो टाइप के स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक ऑर्डर 2 x 2 और एक ऑर्डर 3 x 3। अब इसको ऐसा क्यों पढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं पहले अच्छे से, 1 2 3 4 1 2 3 2 1 3 3 1 2। तो अभी इसका ऑर्डर कितना है, यहाँ पे 2 रो है और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा, ऑर्डर ऑफ 2 x 2। और यहाँ पे क्या है, रो 1 रो 2 रो 3 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, 3 रो 3 कॉलम, तो ऑर्डर क्या रहेगा इसका, 3 x 3। तो हमारा जो चैप्टर है टोटली डील करता है स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ। सो आई होप कि आपको ये बेसिक डेफिनेशन समझ में आए। चैप्टर में जैसे जैसे हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे ना, जो जो डेफिनेशन यहाँ पे यूज होता रहेगा मैं आपको फिर से रिकॉल कराऊंगा, बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि फॉर द नेक्स्ट लेक्चर आप 11th स्टैंडर्ड का हर एक कॉन्सेप्ट प्रॉपरली रिवीजन कर लेना, ठीक है, जिसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पहला एक्सरसाइज था, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर ये दूसरा एक्सरसाइज था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स ये तीसरा एक्सरसाइज था, और फोर्थ एक्सरसाइज था आपका ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसमें उन्होंने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज भी पढ़ा था। तो ये चार एक्सरसाइज आपने जो 11th स्टैंडर्ड में कहीं ना कहीं टॉपिक बेसिस पे किया है, ये आपको
अच्छे से प्रिपेयर करना है, एक बार फिर से रिवीजन करना है, जिससे कि हम लोग इस चैप्टर को इजीली आगे सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो ये बेसिक मैंने आपको याद दिलाया, रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच देयर इज ओनली वन रो, इट्स ऑर्डर इज वन क्रॉस एन। कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच देयर इज ओनली वन कॉलम, इट्स ऑर्डर इज एम क्रॉस वन। जीरो मैट्रिक्स काम का तो है नहीं, तो जीरो मैट्रिक्स का होता है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हर एलिमेंट जीरो होता है, अ मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। पूरे चैप्टर में 90% हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स से डील करने वाले हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स को थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, बिकॉज पूरे चैप्टर में स्क्वायर मैट्रिक्स का ही ज्यादा बोलबाला है, ठीक है। तो ये बेसिक पढ़ लिया हमने, ना हम लोग ये 11th का कुछ डेफिनेशंस मैंने बता दिया आपको, ना हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर को डिटेल में। तो सबसे पहले मैट्रिसेस चैप्टर पढ़ने से पहले इसका एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ यूज होता है। सो ज्यादातर अगर बात करें तो कॉमर्स चैप्टर में जितने भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड, इकोनॉमिक्स के जो सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में ज्यादातर यूज होता है। कॉमर्स जो है उसमें मोस्टली जितने भी चैप्टर्स होते हैं सब स्टैट्स के रिलेटेड होते हैं। जितने भी स्टैट्स के टॉपिक्स हम लोग आज तक पढ़े जाएंगे सबको हम लोग कहीं ना कहीं कॉलम में रिप्रेजेंट करते हैं, देखा रहेगा आपने, टेबल बनाते हैं हम लोग, इवन कि हम लोग ने हिस्टोग्राम्स, पाई चार्ट्स, ये सब बनाने के लिए भी टेबल बनाते थे हम लोग, राइट। ऑडिटोरियम, सिनेमा हॉल, वहां पे अगर आप लोग सीट देखोगे, सीट कि आपका सीट कौन से कहाँ पे बैठना है, वो भी कहीं ना कहीं मैट्रिक्स के फॉर्मेट में ही अरेंज होता है। मेजरली यूज होता है इस चैप्टर का डेटाबेस मैनेजमेंट में, जहाँ पे हम लोग हर एक पर्टिकुलर एम्प्लॉइज का डेटा मैनेज कर सकते हैं, राइट। सो मैट्रिक्स ज्यादातर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में यूज होता है। बेस्ट बताऊं मैं आपको तो डेटाबेस मैनेजमेंट, इसका समझ लेना कि बहुत ज्यादा यूज होता है ये डेली लाइफ में, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आता रहेगा, डेटाबेस मैनेजमेंट जहाँ पे हर एक कंपनी हर एक एम्प्लॉइज का डिटेल स्टोर करता है, ठीक है। नाम है अपना एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री, ये रूल्स है आपको इस चैप्टर में जो परफॉर्म करना है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने आपको बताया था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ सिक्स बेसिक ऑपरेशंस, इट कंप्राइजेस ऑफ सिक्स बेसिक ऑपरेशंस, ठीक है। Three operations are due to rows, and then three operations are due to columns. So three rows के लिए होते हैं और तीन columns के लिए होते हैं, ठीक है। इस chapter का सबसे important पहला topic start कर रहे हैं हम लोग, elementary transformation consists of six basic operations. Three are due to rows and three are due to columns. ठीक है। अब हम लोग एक एक करके बहुत अच्छे से पढ़ेंगे with an example. और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको ना इतना याद रखना है कि आप सिर्फ यही यूज कर सकते हो, इसके अलावा आप कुछ और यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इट कंसिस्ट ऑफ सिक्स बेसिक ऑपरेशंस, थ्री आर ड्यू टू रोज एंड थ्री आर ड्यू टू कॉलम्स। सबसे पहला ऑपरेशन, इंटरचेंजिंग एनी टू रोज, किसी भी दो रो को हम लोग आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। हाँ, इसको अगर फॉर्मेट में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, आर आई इंटरचेंज, इंटरचेंज का साइन है, आर आई इंटरचेंज विद आर जे, यहाँ पे आई एंड जे आर डिफरेंट रो नंबर्स, आई और जे जो है वो डिफरेंट रो नंबर्स है, आई एंड जे आर डिफरेंट रो नंबर्स, हाँ I and J are different row numbers, right? So interchanging any two rows, आपके पास यहाँ पे पूरा का पूरा पॉसिबिलिटी है कि आप किसी भी दो रो को आपस में स्वैप कर सकते हो, ये R1 है ये R2 है, तो अगर मेरे को R1 और R2 को इंटरचेंज करना है तो क्या हो जाएगा, ये it will be swapped with each other, एक दूसरे से अदला बदली हो सकता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं, मेरे से एग्जाम्पल फर्स्ट, मान लो कि एक मैट्रिक्स है मेरे पास, A is a matrix with element 1 2 3 माइनस 1 2 माइनस 4। कोई मुझे इसका ऑर्डर बता सकता है क्या, फटाफट अनम्यूट करके ऑर्डर बताओ, इसका चैट पे ऑर्डर बताओ, इसका ऑर्डर क्या रहेगा क्लास, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ, इसका नाम मेरे को याद है तो, तो इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2
अरे टू क्रॉस थ्री, टू क्रॉस ना दो रो और तीन कॉलम है ना, दो रो क्रॉस थ्री, टू क्रॉस, ठीक है। सो वी नो द ऑर्डर। अब हम लोग कर क्या रहे, तुमको पता है कि यहाँ पे दो रो है, कितने रोज है, दो। सो मैं चाहता हूँ कि मैं आर वन को आर टू से इंटरचेंज करूँ, रो वन को रो टू के साथ इंटरचेंज करूँ, जो कि मेरा प्रॉपर्टी, जो कि मेरा ऑपरेशन मुझे वैलिड पॉइंट दे रहा है कि यू कैन इंटरचेंज एनी टू रोज। आपके पास ये अधिकार है कि आप किसी भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। सो आर वन इंटरचेंज विद आर टू, जब भी हम लोग कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते ना, सो आपका मैट्रिक्स इक्वल ही रहता, आपका मैट्रिक्स होता है सिमिलर टू, इक्वल नहीं रहेगा, बेबी देगा सिमिलर टू, क्योंकि चेंज कर रहा ना, तो चेंज करने पे मैट्रिक्स सेम नहीं होता है, मैट्रिक्स सिमिलर हो जाता है, राइट। तो अगर हम लोग ने आर वन और आर टू को स्वैप किया, अदला बदली किया, सो रो वन का एलिमेंट रो टू में चला जाएगा, रो टू का एलिमेंट रो वन में चला जाएगा। तो आंसर क्या दिखेगा आपको, माइनस वन टू माइनस फोर वन टू थ्री, ऑर्डर रिमेन्स द सेम, ऑर्डर में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। सो आर वन इंटरचेंज विद आर टू में क्या हुआ, देखा आपने, रो वन गेट स्वैप्ड विद रो टू, रो वन और रो टू के एलिमेंट आपस में इंटरचेंज हो गए, समझा। तो पहला पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है, यू कैन इंटरचेंज एनी टू रोज, किसी भी दो रो को हम लोग आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, ये वैलिडिटी पॉइंट हम लोग यूज कर सकते हैं इसलिए, राइट। सो आपको ये पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, इसका जनरल फॉर्मेट क्या है, आर आई इंटरचेंज विद आर जे, यहाँ पे आई एंड जे आर डिफरेंट रो नंबर्स, आर आई इंटरचेंज विद आर जे, आई एंड जे आर डिफरेंट रो नंबर्स, क्लियर है पहला पार्ट, सबको समझा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फर्स्ट ऑपरेशन, सेकेंड ऑपरेशन में चलते हैं हम लोग, डन, हटा रहा हूं मैं इसका, स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। तो थ्री एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, सिक्स बेसिक ऑपरेशन, थ्री आर ड्यू टू रोज एंड थ्री आर ड्यू टू कॉलम्स। तो पहला उन्होंने पढ़ा इंटरचेंजिंग एनी टू रोज, अब दूसरा पढ़ेंगे हम लोग, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है इसका, ध्यान देना, दूसरा प्रॉपर्टी है, सेकेंड प्रॉपर्टी है इसका, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, मल्टीप्लाइंग द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, मल्टीप्लाइंग द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो बाय अ नॉन, बाय अ नॉन जीरो स्केलर। क्या मतलब है इसका, मैं अच्छे समझाता हूँ, किसी भी रो के एलिमेंट्स को आप किसी भी एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो अदर देन जीरो। इसका शॉर्टकट क्या रहेगा, इसका सिंबलिफिकेशन क्या रहेगा, आर आई changes to K R I, where K is a scalar, where K is a scalar other than zero, condition K should not be equal to zero. So आप किसी भी रो को मैग्निफाई और डिमिनिश कर सकते हो, कंडीशन की वो जीरो नहीं होना चाहिए, right? K should not be zero. So we can multiply the elements of any row by a number other than zero. अब आप बोलोगे सर मैग्निफाई तो समझ में आएगी, मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, 15 से मल्टीप्लाई किया। सो अगर समझो कि रो 1 में एलिमेंट है 1 2 3 और आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, तो एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 10 20 30। बट इसको डिमिनिश कैसे करें हम लोग, इसको हम लोग छोटा कैसे करेंगे, तो गाइस मल्टीप्लाइंग बाय रेसिप्रोकल, क्योंकि मैट्रिक्स में डिवीजन नहीं होता है, मैट्रिक्स में सबट्रैक्शन और डिवीजन दोनों नहीं होते। सो हम लोग सबट्रैक्शन और डिवीजन को यूज कैसे करते हैं, व्हाट वी डू फॉर डिविजन पर्पज, मल्टीप्लाइंग बाय इट्स रेसिप्रोकल, डिवाइड बाय 5 से अच्छा मैं बोलूं मल्टीप्लाइंग बाय 1 बाय 5। सो मैट्रिक्स में डिविजन नहीं होता, याद रखना ये। तो हम लोग अगर डिविजन परफॉर्म भी करना है तो क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लीकेशन बाय इट्स रेसिप्रोकल नंबर, राइट। सो अगर मुझे समझो पहले रो में एलिमेंट है 10 20 30 और मुझे इसको 1 2 3 बनाना है, तो क्या करूंगा मैं, मल्टीप्लाइंग विद 1 बाय 10, डोंट कॉल इट डिवाइड बाय 10, आप क्या बोलोगे, मल्टीप्लाइंग विद 1 by 10, multiplying by its reciprocal, because 1 by 10 is also a scalar, which suits in this property. So second property क्या बोलता है कि आप किसी भी row को एक non-zero number से multiply कर सकते हो। Symbolification क्या है उसका? R I changes to, देखो एक changes, transformation का मतलब change होता है, changes to, पहले interchange था, interchange मतलब अदला बदली, अभी change होगा सिर्फ। So R I changes to K R I, R I changes to K R I. Let us see example to study this. ये example लेना बहुत जरूरी है। मान लो कि एक matrix है A और उसके अंदर element है 1 2 3 4, बोलो इसका order क्या रहेगा, इसका order बताओ फटाफट, एक मिनट सेकंड में order बताओ, क्या order है इसका, 2 cross 2। So इसका order है 2 cross 2, right? अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान देना, मैं
मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, मैं ना आर टू को थ्री से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बाय थ्री, और यू कैन से दैट बाय सेवन आर टू. आर टू को मैं सेवन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. या तो इसको ऐसा लिखो या तो इसको ऐसा लिखो, आर टू चेंजेस टू, दोनों लिख देता हूं मैं, आपको काम में आएगा. कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, आर टू चेंजेस टू सेवन आर टू. या तो ये फॉर्मेट है या तो आप सीधा लिख सकते हो बाय सेवन आर टू, दोनों भी चलेगा. मतलब ये स्टार्टिंग में ये बता रहे चेंज कहाँ हो रहा है, चेंज आर टू में हो रहा है. तो आर टू चेंजेस टू सेवन आर टू, या तो सिंपली आप बाय सेवन आर टू भी लिख सकते हो. अब क्या हो जाएगा गाइस, फिर से मैंने आपको बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो मैट्रिक्स सेम तो रहेगा नहीं. सो ए इज सिमिलर टू, चेंज किधर कर रहे हो आप चेंज कर रहे हो आर टू में. तो आर वन ने क्या बिगाड़ा हमारा, आर वन को सेफ रखो. सो आर वन विल बी वन टू, सेफ रहेगा आर वन एज इट इज. आर टू क्या हो रहा है, आर टू सेवन से मल्टीप्लाई हो रहा है. सो आर टू के जितने भी एलिमेंट्स है, आपको बताया ये आर टू है, थ्री और फोर आर टू में लाई करता है. सो आर टू के जितने भी एलिमेंट्स है सेवन से मल्टीप्लाई होंगे. थ्री सेवन आर ट्वेंटी वन, फोर सेवन आर ट्वेंटी एट. Still the order remains the same. Matrix का order बदलेगा नहीं कुछ भी हो जाए. Unless and until आप transpose नहीं कर रहे हो, matrix का order नहीं बदलेगा. So क्या किया आपने second property में, आपने एक आप किसी भी row को या किसी भी row को किसी भी non-zero scalar से multiply कर सकते हो as per your need. आप बोलोगे ऐसा क्यों करना है मुझे, आगे चल के आप जब inverse find करोगे matrix का तो आपको अपने आप समझ जाएगा कि ये सब operations किस लिए valid है. But फिलहाल अगर आपको कोई operation देता है कि perform 7R2, so R2 का जो एलिमेंट 3 और 4 था वो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा and it will become what? 3 7s are 21, 4 7s are 28. So this is the second operation based on row transformation. आप देख लो हर एक चीज में ना बदलाव हो रहा है, हर एक चीज में चेंज हो रहा है. पहले इंटरचेंज हुआ, R1 R2 आपस में बदल गए, फिर अभी यहाँ पे जो B का सेकेंड रो था, सॉरी A का जो सेकेंड रो था वो चेंज हुआ है. So by using all these operations, हम लोग कुछ ना कुछ चेंज ला रहे हैं मैट्रिक्स के अंदर. इसलिए इसको बोला जाता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. और जो प्रॉपर्टीज बोला है वही प्रॉपर्टीज करना है आपको, आप अपना खुद का कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते. ठीक है, तो हम लोगों ने दो प्रॉपर्टीज पढ़ा है यहाँ पे. पहला ये पढ़ा कि किसी भी दो रो को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, और दूसरा ये पढ़ा कि किसी भी रो को एक नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. अब आते हैं थर्ड वाले पे. थर्ड ऑपरेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन, थोड़ा टाइम लेगा वो, तो अच्छे से ध्यान देना थर्ड ऑपरेशन पे. ठीक है, दोनों ऑपरेशन तो क्लियर हो गया आपको. ऑपरेशन वन, interchanging any two rows. Operation 2, multiplying the element of any row by a non-zero scalar. अब third row में आते हैं, third operation आते हैं, sorry. Third operation क्या बोलता है, please सुनना. Third operation क्या बोल रहा है, please समझने की कोशिश करना. थोड़ा third operation तो समझाने के लिए मेरे को ना थोड़ा time चाहिए. मान लो कि एक matrix है मेरे पास, इधर पे 1 है, इधर पे 2 है, इधर पे 7 है और इधर पे 4 है. समझना कोशिश करना, क्लास नहीं समझा प्लीज पूछना मुझे. मुझे ना इस सेवन को जीरो बनाना है. इस सेवन को क्या बनाना है, जीरो. आप बोलोगे क्यों बनाना है जीरो गाइस, वो सेकेंडरी क्वेश्चन है. पहले समझना कोशिश करो, मुझे इस सेवन को कन्वर्ट करना है जीरो में. सो क्या करूं मैं, इंटरचेंज करके भी जीरो नहीं आने वाला. तो पहला ऑपरेशन तो नहीं यूज होगा. अच्छा, मैंने अगर इसको जीरो से मल्टीप्लाई किया होता तो सेवन इंटू जीरो जीरो जाता, बट क्लियरली बोलता है सेकंड ऑपरेशन की तो जीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, तो नॉन जीरो से मल्टीप्लाई कर सकता है. तो मैं स्टार्टिंग का दोनों ऑपरेशन यूज कर ही नहीं सकता यार, ना तो मैं इंटरचेंज करके जीरो ला पा रहा हूँ, ना तो मैं मल्टीप्लाई करके जीरो ला पा रहा हूँ. तो क्या करेंगे हम लोग, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना. तो ऐसे ऑपरेशन में हम लोग को उधार लेना पड़ता है, अपने करस्पॉन्डिंग रो से उधार लेना पड़ता है. जैसे कि अभी ये सेवन कहाँ लाई करता है, ये सेवन लाई करता है रो टू में. अब अगर आपको घर में भी पैसा नहीं है और कंपनी भी आपको लोन नहीं दे रहा है, तो आपको बाजू वाले के पास जाना ही पड़ेगा. हाँ, पड़ोसी के पास जाना ही पड़ेगा. तो इसका पड़ोसी कौन है यहाँ पे, R1. तो ये R1 से मदद मांगेगा, अभी R1 से मदद मांगेगा. ठीक है, तो अभी ये 7 है, इस 7 को 0 बनना है. तो इस 7 को अगर 0 बनना है तो ये R1 से 7 गुना उधार मांगेगा, कितना 7, क्योंकि R1 के पास कितना वैल्यू है 1, कितना वैल्यू R1 के पास 1. सो अगर इसको 0 बनना है तो इसको R1 को भी 7 बनाना होगा. तो अगर R1 को 7 बनाना है इसको, तो R1 को इसको 7 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो R1 कितना हो जाएगा, अभी 7 टेम्पररी लिया, और ये कितना हो जाएगा 14. R1 को इसने 7 से मल्टीप्लाई किया, सो जो 1 और 2 था वो क्या हो गया, 7 और 14. अब ये भी 7, ये भी 7. थोड़ा बहुत हमने 10th में पढ़ा था, सेम साइन स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्टिंग, ऑपोजिट साइन एडिंग, लीनियर इक्वेशन वेरिएबल्स.
AB7 दोनों में प्लस साइन है, तो क्या होगा ऑपरेशन वालों में, R2 - 7R1 R2 - 7R1 तो समझा हुआ, तो टाइम लगेगा ऑपरेशन को, R2 - 7R1 तो क्या किया, R2 कितना था तेरा, तेरा R2 7 था, R1 कितना था तेरा 1 था, तो तूने R1 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 × 1 = 7 हो गया, 7 × 7 = 14 हो जाता अगर ऐड करता तो, क्या करना पड़ेगा सबट्रैक्ट, 7 - 7 = 0। सो ये थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि तू अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, मतलब अगर तू रो 2 में बैठा है तो तू रो 1 के एलिमेंट से या रो 3 के एलिमेंट से उधार ले सकता है अपने आप को चेंज करने के लिए, और ऐसा उधार जो तुमको फिर से रिटर्न भी नहीं करना है, मतलब तुमने उनसे उधार लिया है और उनको पता भी नहीं चलेगा, इन शॉर्ट पता भी नहीं चलेगा मतलब दे विल बी रिमेन अनचेंज, ये 1 ही रहेगा और ये 2 ही रहेगा, सिर्फ उधार लिया आपने उनसे बिना उनको बताए, जहां पे मेंशन आता है उसको रिटर्न करना है और ना ही उसका वैल्यू चेंज होने वाला है, सो दे विल बी रिमेन सेम 1 और 2 टिल द एंड, बट मैंने उससे 7 गुना उधार लिया है, मैंने क्या किया रो 1 का 7 टाइम्स उधार लेके सबट्रैक्ट किया है। सो यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थर्ड प्रॉपर्टी, और टाइम लगेगा मुझे इसको एग्जाम्पल के साथ क्लियर करना पड़ेगा और इसको बहुत ज्यादा परफॉर्म करना पड़ेगा। सो मूविंग टू थर्ड प्रॉपर्टी, जो आज के लेक्चर में देखेंगे हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी, दूसरे रोज से उधार ले लो और उसको रिटर्न भी मत करो और उसको पता भी मत लगने दो। तो अगर मैं अच्छे से आपको थर्ड प्रॉपर्टी लिख के दू तो ये पूरा हटा देता हूँ मैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कंप्रेसिस ऑफ 6 बेसिक ऑपरेशंस, 3 are due to rows and 3 are due to columns, 3 रो के और 3 कॉलम्स के, तो हम लोग रो का थर्ड वाला करने जा रहे हैं, रो का थर्ड वाला करने जा रहे हैं, ठीक है। मैं आपको भी थर्ड वाला लिखा रहा हूं, उसमें स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से। थर्ड वन, एडिंग द स्केलर मल्टीपल, adding the scalar multiple of any row to corresponding element of any other row, adding the scalar multiple of any row to corresponding element of any other row, मतलब क्या किया तुमने, तूने 7R1 ऐड किया था किसमें, R2 में, 7R1 ऐड किया था किसमें, R2 में, समझा था इसका सिंबलिफिकेशन क्या रहेगा, adding the scalar multiple of any row, इसका सिंबलिफिकेशन क्या है ध्यान दो, Ri changes to Ri प्लस, लिख रहा नहीं है मार्कर तो ब्लू से लिखता हूं, Ri changes to Ri plus K times of Rj। अब ध्यान देना है, देखो इधर एडिंग कौन कर रहा है, एडिंग प्लस, एडिंग द स्केलर मल्टीपल, कौन है स्केलर, के ऑफ एनी रो, कौन सा रो, Rj, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी रो किसमें ऐड कर रहा हूं, Ri, एडिंग प्लस स्केलर मल्टीपल ऑफ एनी रो के टाइम्स ऑफ आर जे टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो, इसमें ऐड कर रहा हूं, तो का स्केलर मल्टीपल आई रो में ऐड कर रहा हूं, इसको एग्जांपल के थ्रू, सो आर आई विल गेट चेंज, आर जे मेरे को मदद कर रहा है बट आर जे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आर जे का जो बैलेंस ऐसा को ऐसे रहेगा, RG will be unchanged, but RI change होगा किसके साथ लेके, RG के साथ मदद लेके, RG का guarantor लगेगा उसको, तो अगर इसका example ले लेता हूँ मैं, इसको example के through सिखाता हूँ तो बहुत अच्छे समझ में आएगा, मान लो कि example है A, और जिसके अंदर 2, 1, 4 - 1 - 4 and then 7, है कोई ऑर्डर बताएगा इसका, 3 × 3 = 3 × 3 = 3 × 3 = 3 मान लो यहाँ पे एक मैं करता हूँ ऑपरेशन, एक आपको लूंगा, हाँ, सो 3 × 3, अब ध्यान देना,
मान लो कि मैं ना रो वन को चेंज कर रहा हूँ और ऐसा देख रो वन चेंजेस टू रो वन प्लस थ्री टाइम्स ऑफ रो टू. रो वन चेंजेस टू रो वन प्लस थ्री टाइम्स ऑफ रो टू. रो वन चेंजेस टू रो वन प्लस थ्री टाइम्स ऑफ रो टू. अब गाइस क्या होगा ध्यान देना. ए इज सिमिलर टू चेंज किधर हो रहा है, चेंज रो वन में हो रहा है. सो रो टू रो थ्री ने कुछ बिगाड़ा अपना नहीं, तो रो टू और रो थ्री को सेव रखो. सो रो टू कितना चला 2 1 4. रो टू सेव. रो थ्री कितना चला -1 -4 -7. रो थ्री भी सेफ. चेंज रो वन में हो रहा था, सिर्फ रो वन के साथ खेलेंगे हम लोग, रो टू और रो थ्री को सेफ रखेंगे. रो वन क्या बोल रहा है, रो वन चेंजेस टू रो वन प्लस थ्री रो टू. रो वन चेंजेस टू रो वन प्लस थ्री रो टू. करो स्टार्ट करो. रो वन को मदद करने वाला कौन है, रो टू. तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मदद करता है. क्या क्या मतलब होता है करस्पॉन्डिंग का, देखो ये वन रो वन में और रो टू का मदद मांग रहा है, तो रो टू में एलिमेंट कौन है, टू है, तो टू मदद करेगा इसको. ये टू रो वन में है, इसको मदद कौन करेगा, वन, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट रो टू का. ये थ्री रो वन में है, इसको कौन मदद करेगा, फोर, तो उसके नीचे वाला एलिमेंट मदद करता है, उसके कॉलम के नीचे वाला एलिमेंट मदद करता है. सो वन को अगर रो टू से मदद चाहिए मतलब उसको टू से मदद चाहिए, टू को अगर रो टू से मदद चाहिए मतलब उसको वन से मदद चाहिए, थ्री को अगर रो टू से मदद चाहिए मतलब उसको फोर से मदद चाहिए. सिमिलरली अगर वन को रो थ्री से मदद चाहिए होता तो माइनस वन से मदद लेता, टू को रो थ्री से मदद लेना होता तो वो माइनस फोर से मदद लेता, और थ्री को अगर रो थ्री से मदद लेना होता तो सेवन को मदद लेता. ठीक है, इसलिए यहाँ पे वर्ड आया है करस्पॉन्डिंग, उसके बाजू वाला, उसके सामने वाला, उसके नीचे वाला. ठीक है, करस्पॉन्डिंग ध्यान देना अच्छे से. ठीक है, अब परफॉर्म करता है इस ऑपरेशन. सो आर वन प्लस थ्री आर टू, तुम बोलो पहले आर वन कितना है इधर, वन प्लस थ्री आर टू. आर टू कितना है, उसका करस्पॉन्डिंग टू, वन प्लस थ्री इंटू टू पहला एलिमेंट. फिर दूसरा आर वन कितना है, टू प्लस थ्री आर टू. आर टू कितना है, वन, टू प्लस थ्री इंटू वन. फिर अगला आर वन कितना है जरा, आर वन कितना है जरा, थ्री, थ्री प्लस थ्री आर टू. आर टू कितना तेरा, फोर, थ्री प्लस थ्री इंटू फोर. अब इसको प्रॉपरली परफॉर्म करो ना. सो ए इज सिमिलर टू, क्या होगा, पहला रो टू और रो थ्री को सेफ रखो, टू वन फोर, रो टू सेफ, माइनस वन माइनस फोर माइनस सेवन, रो थ्री सेफ. वन प्लस सिक्स विल बी सेवन, टू प्लस थ्री विल बी फाइव, थ्री प्लस ट्वेल्व विल बी फिफ्टीन. तो दिस इज आंसर गाइस, 7, 5, 15, 2, 1, 4, -1, -4, -7. सो इस तरीके से वी परफॉर्म द ऑपरेशन टू ट्रांसफॉर्म द एलिमेंट. जो पहले 1, 2, 3 था वो क्या हो गया, 7, 5, 15. अभी आप बोलेंगे 7, 5, 15 क्यों बनाया, एग्जांपल समझाने के लिए बनाया, आगे चल के पता चलेगा क्यों बनाया क्या बनाया. ठीक है, एक सम आपको बाजू में दे रहा हूँ, आप मुझे उसका आंसर बताओगे. इस पे ही परफॉर्म करना, इस पे ही परफॉर्म करना. ठीक है, इधर मैं लिख रहा हूँ आर थ्री चेंजेस टू आर थ्री माइनस फाइव आर वन. सो आपको ही पता है कि चेंज किधर होगा, फटाफट सॉल्व करके मुझे उसका आंसर बताओ. आर थ्री चेंजेस टू आर थ्री माइनस फाइव आर वन. पेन ले लो और फटाफट एक पेज ले लो और इसका आंसर बताओ, आर थ्री माइनस फाइव आर वन. अब बोलोगे सर आप तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐड तो हो नहीं रहा है. भाई इसका एक्चुअल मतलब ऐसा है, प्लस माइनस फाइव. सो ऐड ही हो रहा है बट स्केलर मल्टीपल यहाँ पे नेगेटिव है. स्केलर मल्टीपल क्या यहाँ पे, नेगेटिव. सो प्लस इंटू माइनस फाइव को हम लोग क्या लिखते हैं, हाँ प्लस इंटू माइनस फाइव को हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस फाइव लिखते हैं ना, इसको माइनस फाइव लिखा जाएगा. इसका एक्चुअल फॉर्मेट क्या है याद रखना, आर थ्री प्लस माइनस फाइव आर वन. सो आर थ्री से मत मांग रहा है, माइनस फाइव से. चलो इसका आंसर बताओ, चेंज कहाँ पे होगा, आर थ्री में. सो आर वन आर टू को सेफ रखो. सो आर वन, वन टू थ्री, आर टू टू वन फोर. आर वन आर टू सेफ है, आर थ्री में चेंज करो, बोलो आंसर क्या रहेगा. तो आपका आंसर आएगा माइनस सिक्स, माइनस फोर्टीन और माइनस एट. आई होप कि सब लोग को क्लियर है ये पार्ट, अच्छे से समझ में आ रहेगा. तो ये तीन ऑपरेशन पढ़ा हमने आज के लेक्चर में, और तीनों ऑपरेशन में उन्होंने ये देखा कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस कंसिस्ट ऑफ सिक्स बेसिक ऑपरेशंस, थ्री आर ड्यू टू रोज एंड थ्री आर ड्यू टू कॉलम्स. सो रोज का पार्ट उन्होंने कवर किया आज के लेक्चर में. अगले लेक्चर में वी विल कंटिन्यू विद कॉलम का पार्ट. एक बार मैं छोटा सा एडवाइस रिवीजन ले लेता हूं आपका. आते आते हम लोगों ने डेफिनेशंस पढ़ा, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स. द चैप्टर मोस्टली डील्स विद स्क्वायर मैट्रिक्स. एलिमेंट्स का नोटेशन बताया मैंने आपको, ठीक है.
एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स को कैसे फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं, ठीक है। फिर आगे हमने पढ़ा रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, शॉर्टर फॉर्म में भी और लॉन्गर फॉर्मेट में। फिर हम लोगों ने चैप्टर का पहला टॉपिक स्टार्ट किया एलिमेंट्री ऑपरेशंस। नाउ एलिमेंट्री ऑपरेशंस कंसिस्ट ऑफ सिक्स बेसिक, थ्री आर ड्यू टू रोज एंड थ्री आर ड्यू टू कॉलम्स। पहला इंटरचेंजिंग एनी टू रोज, आर आई इंटरचेंज विद आर जे, क्या होता है इंटरचेंज में, किसी भी दो रो को आप बदल सकते हो। सेकेंड मल्टीप्लाइंग द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो बाय अ नॉन जीरो स्केलर, किसी भी रो के एलिमेंट्स को, रो मतलब सबको लगेगा, रो के एलिमेंट्स को आप किसी भी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। नॉन जीरो मतलब जीरो को छोड़ के बाकी जो नंबर आपको चाहिए उससे। इसका सिंपलिफिकेशन क्या देगा, आर आई चेंजेस टू के आर आई, या जिसको के आर आई भी पढ़ सकते हैं। और थर्ड जो अपना सबसे इंपॉर्टेंट था, एडिंग द स्केलर मल्टीपल, थ्री आर टू, थ्री स्केलर है, माइनस फाइव स्केलर है, एडिंग द स्केलर मल्टीपल ऑफ एनी रो टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो। So three times of R2 will get added to R1, minus five times of R1 will get added to R3. So adding the scalar multiple of any row to corresponding, मैंने बताया corresponding मतलब उसके नीचे वाली मदद कर सकते हैं। Adding the scalar multiple of any row to corresponding element of any other row. Simplification क्या है इसका? Ri will get change into Ri plus KRJ. याद रखना तुमने RJ से मदद तो लिया है, but RJ को change नहीं होना चाहिए, RJ को कुछ फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे R2 से मदद लिया है, बट R2 का एलिमेंट विल बी एज इट इज। मैंने यहाँ पे R1 से मदद लिया है, बट R1 का एलिमेंट विल बी एज इट इज। तो ये आपको प्रॉपरली परफॉर्म करना है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू कॉलम्स। इतना तो रिविजन करो, मैंने आपको बताया आपका काम क्या है, 11th का हर एक टॉपिक ऑफ मैट्रिसेस को अच्छे से रिवाइज कर लेना, और एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग जस्ट सच प्रॉपर्टीज। सो ट्राई करना 11th का हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो एक बार रिवीजन करके, और 12th में चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस आप स्टार्टिंग से सॉल्व कर सकते हो, चेक कर लो आप कितना सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बेस्ड ऑन ऑपरेशंस है वो। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक लिए बाय बाय, थैंक यू, प्रैक्टिस करो अच्छे से, कुछ डाउट रहेगा मुझे अगले लेक्चर में बताओ, ठीक है।